लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, और हमने कंस्ट्रक्टर के तीन टाइप देखे थे। एक तो था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और एक हमारा था नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर। कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर। अब ये भी उसके जैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है। तो अब इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या कहता है कि हम कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है कि कंपाइल टाइम पे ही उसको पता हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जब वो कोड कंपाइल हो रहा होता है उसको पता होता है कि इसकी ये वैल्यू होगी और ये फिक्स होगी और ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब कि वैसे तो हम जब इंस्टांस बनाते थे तो हम हमें पता होता था कि हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। और जो कॉन्स कंस्ट्रक्टर होगा वो हमें गारंटी देगा कि भाई इसकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी हमने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसकी वैल्यू हमें पता है कि इसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे, तो हम उसको कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ताकि वो रन टाइम पे डायनेमिकली अपडेट ना हो, कंपाइल टाइम पे उसको पता लग जाए कि बस ये एक फिक्स वैल्यू है और हमारा जो है उस हम रेंडरिंग टाइम भी हमारा बचा पाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि जो कॉन्स कंस्ट्रक्टर है ये हमें हेल्प करता है कि हम कंपाइल टाइम पे ही कॉन्स्टेंट जो है वैल्यूज क्रिएट कर सकें, जो कि बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा होता है कॉन्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कॉन्स कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर हमने कॉन्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो हमने क्या सिंपली क्या करना है, प्रीफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। वो कौन सा होगा, कॉन्स नाम का कीवर्ड होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था उसके आगे हमने कॉन्स नाम का कीवर्ड यूज़ कर देना है बस, और हमारा काम खत्म, ठीक है। अब अगर हमने कॉन्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो हमारे जो फील्ड्स हैं उसको फाइनल होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो वैल्यू कभी अपडेट ना हो, और फाइनल जो वेरिएबल्स होते हैं, फाइनल इंस्टांस जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू सिर्फ एक बार चेंज होती है, वो चेंज होती है कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या है, सिंपली क्लास का नेम, ठीक है, क्लास स्टार्ट हुई, यहाँ पे है कुछ इंस्टांस वेरिएबल, उसके आगे लगा हुआ है फाइनल, एक और इंस्टांस वेरिएबल उसके आगे भी फाइनल, और बाद में हमने क्लास का एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, मतलब क्लास का नेम है उसमें वही दिस नेम से ही, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नेम आ गया, मतलब कि पहली फिर दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी थी, और इसके आगे लगा दिया हमने कॉन्स नाम का एक कीवर्ड, जिसने ये बताया कि जब इस कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल करूँगा तो वो एक कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल है, जैसे एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल बना लिया है, इंस्टांस वेरिएबल जो कि है रेडियस, डबल टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें रेडियस को एक्सेप्ट किया और उसको हमने कॉन्स्टेंट बना दिया, और उसमें एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट एरिया का, तो उसमें रिटर्न कर दिया हमने उसका रेडियस कैलकुलेट करके, ठीक है। और हमने जब इंस्टांस क्रिएट किया तो ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं करने के लिए, तो इसको भी करके देख लेते हैं हम। तो ये देखो, तो इस अब देखो ये कैसे बना कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने बताया था कि जो यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल होंगे वो फाइनल होगा, ठीक है, और जो इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा उसके आगे हम कॉन्स लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमें ये गारंटी दे देगा कि ये वैल्यू एक बार ही चेंज होगी जब उसकी कंपाइलेशन हो रही होगी, ठीक है। मतलब इस टाइम मैंने इसको वैल्यू दे दी, अब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगी। और मैंने फिर एक फंक्शन बनाया हुआ था कैलकुलेट एरिया का, और उसके अंदर मैंने इसकी कैलकुलेशन करके रिटर्न कर दी, और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और जो आउटपुट आई है वो कुछ आउटपुट आ गई है। पर यहाँ पे मेन हमारा कंसेप्ट था ये कॉन्स्ट, कि ये अब हमारी मेमोरी पे इम्पैक्ट कम करेगा क्योंकि इसने गारंटी दे दी है कि ये कभी चेंज नहीं होगी वैल्यू, ठीक है, इसलिए ये इंस्टांस इसका बार बार क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जब हमारा री रेंडर होगा है ना पेज, तो ये बार बार इसका इंस्टांस नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कंपाइल टाइम पे 5 से इनिशलाइज हो चुका है, ठीक है। आप जब फ्लटर पे काम करोगे, आप वहाँ पे विजिट वगैरह यूज़ करोगे, तो आप मोस्टली कंसिडर करोगे कि कॉन्स्टेंट विजिट यूज़ करो, ताकि जब हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हो तो वो बार बार उस कंस्ट्रक्टर को बार बार कॉल ना करे, ताकि वो स्क्रीन लोडिंग पे रहे, ऐसा ना हो कि हमने एक स्क्रीन पे 50 विजिट लगा दिए, ठीक है, और वो रेंडर होने में बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है ना। इसलिए बेटर ये है कि हम कॉन्स्टेंट विजिट यूज़ करें जो कि कॉन्स्टेंट बन सकते हैं, ताकि वो मेमोरी पे भी इम्पैक्ट ना डाले, ठीक है। तो अगला टॉपिक था कि हम कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, अभी हम इसको यूज़ करके ही हटे हैं, ठीक है, ये इसका यूज़ ही है ना। बट इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन यूजिंग अ कॉन्स कंस्ट्रक्टर यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एट कंपाइल टाइम रादर देन रन टाइम, ठीक है। अब जब हम नॉर्मल एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं, मतलब कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो होता है रन टाइम पे, ठीक है, वो रन टाइम पे क्रिएट होता है,
बट जो कॉन्स्ट होता है वो हमारा कंपाइल टाइम पे क्रिएट होता है, क्योंकि वो हमें पता है कि वो मॉडिफाई कभी होगी नहीं वैल्यू, इसलिए वो कंपाइल होते होते ही क्रिएट हो जाता है और वो दोबारा क्रिएट नहीं होता कभी भी। ठीक है, सिंटैक्स हमें देखने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके एग्जांपल देखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बाकी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट भी दिया हुआ है कि हम डार्ट में अगर हमने एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करें, हम इसको डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, जिसको मैं कॉन्स्ट रखूँ और उसमें कोई भी मैं फिक्स वैल्यू दे दूँ, तो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा इंटीजर टाइप का। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं इसको एक कॉन्स्ट नाम का ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ तभी ही बन पाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी ऊप्स के अंदर, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, आगे हमें बहुत यूज़फुल रहेगा हमारे जितने विजिट, मतलब फ्लटर में जो विजिट्स होते हैं ना, स्क्रीन्स में जो लगे होते हैं ना विजिट्स, जैसे बटन हो गया, इनपुट फील्ड हो गई, टेक्स्ट फील्ड हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्लासेस ही होंगी। और इनके अंदर हमने कोई वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट करनी है, उसके लिए हम फंक्शंस मतलब कि मेथड्स ही यूज़ करेंगे, और जो उसकी वैल्यूज़ होंगी, जो फील्ड्स होंगी, वो उसके इंस्टांस वेरिएबल्स ही होंगे। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.